ठीक है, तो सिद्धार्थ, और इसीलिए अब जो है एनडीए सरकार का पहिया तेजी से घूम रहा है, जिस तरह से शेर की शुरुआत यहां पर राजीव ने की कि यहां सब कुछ जल्दी जल्दी और वहां सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता, तो ये एक बड़ी वजह है क्योंकि अब तो नजर असेंबली इलेक्शंस पर रहेगी। चार मेन बड़े राज्य और उथल पुथल की शुरुआत महाराष्ट्र से। देखिए पूजा जी, जिसको देश की जनता ने मैंडेट दिया हो उसकी जिम्मेदारी है कि उसको जल्दी जल्दी कार्य करना चाहिए। जिसके पास 5 साल का एक विजन हो, जिसको 2047 में भारत को विकसित भारत बनाना हो, और देश की जनता ने जिस अलायंस को भरपूर समर्थन और आशीर्वाद दिया हो, मतलब मेजोरिटी मार्क से 20 संख्या ऊपर 292 जिसको दिया हो, उसके पास तो जिम्मेदारी है ही। अब जिसको जनता ने तमाम वादे, प्रोपेगेंडा, झूठ सब कुछ कहने के बाद जनता ने उनको सत्ता में आने का अवसर नहीं दिया, उनकी गाड़ी तो धीरे धीरे चली गई। तो बहुमत तो राजीव जी पार्टी को भी नहीं मिला, बहुमत तो बीजेपी को भी नहीं मिला। 370 पार का आपका आंकड़ा था, नारा था आपका। बिल्कुल पूजा जी, हम 370 के आंकड़े को लेकर के जनता के बीच में गए थे। जनता ने हमको पूरे इंडी अलायंस से ज्यादा एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के नाते भारतीय जनता पार्टी को दिया, हमारी अपेक्षा से कम दिया, पर हम मैंडेट को सरमाथे रखते हैं, स्वीकार करते हैं। जनता ने प्रधानमंत्री जी पर अपना पुनः विश्वास दिया। हिस्टोरिकली तीसरी बार 1962 के बाद पुनः प्रधानमंत्री, एक सरकार, एक एनडीए की सरकार शपथ लेने जा रही है, रिपीट होने जा रही है, ऐसा एक मैंडेट दिया, हम उसको सरमाथे रखते हैं। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो, बंटवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो, बंटवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। हम स्वीकार करते हैं और इसीलिए हमें तो काम करना है, हमें तो आगे जाना है, पर ये जो इंडिया अलायंस के हमारे कुछ साथी हैं उनके पास अभी लंबा समय है और अच्छे विपक्ष की उनको भूमिका निभानी चाहिए, ऐसी एक अपेक्षा है। पर मैं मानता हूं कि एक अच्छी शुरुआत पूजा जी इसमें हुई है। अभी चुनाव तो हर साल ही आते रहेंगे, अभी भी दो राज्यों के चुनाव हैं, अगले साल भी चुनाव हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से अभी इन लोकसभा के साथ ही 3 राज्यों की सरकारों को भी बनाया, 2 बीजेपी 1 एनडीए की सरकार भी जनता ने हमारी झोली में डाली है। देश भर के 25 प्रांत लगभग ऐसे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी से बहुत आगे है, उनमें वो प्रांत भी हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकारें भी चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा चंक ऐसा है जिसको दूसरी तीसरी बार भी देश की जनता ने रिपीट करके भेजा है। मैं मानता हूं उसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो देश के जन-जन का आशीर्वाद हमको प्राप्त हुआ है, उस जिम्मेदारी को हम बखूबी समझते हैं, अपने कंधों पर स्वीकार करते हैं, भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए और गरीब संभाले रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। जयराम रमेश ने आज ही ट्वीट किया है, कह रहे हैं ये 3.0 का दावा जरूर कर रहे हैं लेकिन ये तो मोदी 1/3 सरकार होगी। नहीं पूजा जी, मैं तो एक बात पूछना चाहता हूं, जब 1999 में हम 184 सीट जीत करके आए थे और 5 साल वो सरकार चल सकती थी, हाँ। अगर कांग्रेस पार्टी 2004 में 145 सीट जीत करके 5 साल यूपीए चला सकती थी, फिर 2009 में 200 सीट जीत करके फिर वो 5 साल एक सरकार चला सकती थी, तो ये तो भारत के गठबंधन के इतिहास में सबसे स्टेबल सरकार होगी, क्योंकि किसी कोलिशन गवर्नमेंट में एक पार्टी को 240 का मैंडेट नहीं मिला। ये सरकार क्यों नहीं चलेगी? ये कौन से इकोसिस्टम का नैरेटिव है कि ये सरकार अस्थिर है, इस सरकार में तो गड़बड़ आ सकती है, ऐसा हो सकता है? भारत के गठबंधन के इतिहास की सबसे स्थिर सरकार, क्योंकि एक पार्टी के पास सरकार भी है ना जिसने बड़े बड़े फैसले लिए और अब तक अपने जो सहयोगियों का मुंह तक वो नहीं देख सकते थे, खुद वो बड़े फैसले लेने में इतने सक्षम थे, लेकिन अब वो तमाम स्थितियां बदल जाएगी। 240 का गठबंधन, 272 प्लस का गठबंधन, बहुत फर्क होगा। पूजा जी, हमने कौन सा ऐसा बड़ा फैसला लिया जिसमें हमारे गठबंधन के साथियों ने हमें साथ नहीं दिया? कौन सी हमारी सरकार ऐसी थी 10 साल में जिसमें गठबंधन के साथी हमारे साथ कैबिनेट में नहीं थे, हमारे साथ सरकार में साझेदार नहीं थे? हमने आर्टिकल 370 बड़ा फैसला था, ये पूरे एनडी वाले तो मना करते थे, पूरे गठबंधन ने साथ दिया, 2/3 की मेजोरिटी के साथ हमने उसको पारित कर पाया। बात कर रहे हैं ना, नायडू कह चुके हैं कि ऐसा कोई फैसला नहीं होगा जो मुसलमानों के हित में ना हो, उनके खिलाफ जाए, वो कोई किसी ऐसे फैसले के साथ वो नहीं जाएंगे, वो ये बात कह चुके हैं, जता चुके अपना ऐतराज। नहीं नहीं पूजा जी, अभी ऐसा कोई ऐतराज या किसी ऐसे विषय पे नहीं जताया है। भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा और आइडियोलॉजी तीनों जनता के सामने थी। प्री पोल अलायंस में राज्य का दर्जा बिहार हो या आंध्र प्रदेश हो, दोनों ही पार्टियों के नेता चाह रहे हैं, इसके पक्ष में आप लोग नहीं दिखे।
नहीं पूजा जी, उन सब विषयों पर चर्चा की जाएगी। जब वो पहले हमारे साथ गठबंधन में थे तब क्या वो नहीं चाहते थे क्या कि आज वो ऐसा उन्होंने बोला है क्या, वो आज ये मांग वो है ऐसी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए हम लोग पहले से अलायंस पार्टनर्स में थे, आप इस बात को समझिए। एक प्री पोल अलायंस जनता के सामने गया था, दो विकल्प जनता के सामने थे, जनता ने हमारे विकल्प को चुना और तीसरी बार 1962 के बाद एक प्रधानमंत्री को शपथ लेने का उन्होंने सौभाग्य दिया है, एक दायित्व दिया है। उस दायित्व को सहजता के साथ हम स्वीकार करते हैं और देश के एक एक वोटर को हम नमन करते हैं। कोटि कोटि ठीक कह रहे तो